मैं आई हूँ इस वक्त एक बॉक्सिंग क्लब पे। बॉक्सिंग क्लब की खास बात क्या है? बॉक्सिंग क्लब की खास बात ये है कि यह है लड़कियों का बॉक्सिंग क्लब, जहाँ पे मुक्के भी पड़ते हैं और पंचेस भी और एक्सरसाइज तो करवाते हैं। तो मैं वैसे तो हर खेल में ही जो है ना अपना रिक्शा लेके चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे आई हूँ क्योंकि रफ़ी भाई जो है उनसे सलाम दुआ होने के बाद मुझे पता चला कि रफ़ी भाई लिटरली एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक क्लब बनाया है और वहाँ पे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुझे लगा कि अगर मैं इनके साथ नहीं मिलती हूँ, यहाँ पे मैं इनको नहीं दिखा रही हूँ, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। तो मैं ख़ास तौर पर रफ़ी भाई से मिलने आई हूँ और बच्चों को देखने आई हूँ जो बॉक्सिंग सीख रही हैं। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में आपको यहाँ से बहुत सारे चैम्पियंस मिलेंगे। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारी लैला अली मिलेंगी यहाँ के। अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज देखने के लिए, एक्सरसाइज और वार्म अप सीखने के लिए, उसके बाद हम रफ़ी भाई से बात करेंगे और बच्चों से ही बात करेंगे, ठीक है? तो टिल देन साथ रहें, आ जाएं। रफ़ीउद्दीन भाई गुज़िश्ता 9 साल से नॉर्थ कराची में बारादरी के करीब कल्याणा अकेडमी चला रहे हैं, जहां वो लड़कियों को ट्रेन करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रफ़ी भाई। रफ़ी भाई जो हैं ये इस बॉक्सिंग क्लब को चला रहे हैं, जिनकी लड़कियों का मैंने तस्करा किया आपसे, और यही है वो जिन्होंने मेहंदी वाले हाथों को बॉक्सिंग ग्लव्स दे दिए हैं और अब लड़कियां जो है वो फाइट करने पे आ गई हैं, तो मोहल्ले वाले तो डरेंगे ही। क्यों रफ़ी भाई, कैसे ख्याल आया आपको ये बताएं मुझे? हाँ, असल में ये बॉक्सिंग का हमारे सिस्टम आया कि नेशनल में खुद बॉक्सर हूँ पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान कैंप के अंदर था, ट्रेनिंग करता रहता था। फिर ये है कि माशाल्लाह मेरी शादी वगैरह हुई, शादी होने के बाद जो है बॉक्सिंग भी चलती रही, लेकिन माशाल्लाह फिर औलाद भी होती रही। तो ये है कि माशाल्लाह मेरी 5 बेटियाँ हुई जिसमें बेटा नहीं है। तो एक बेटी ने जो है वो मैंने क्वेश्चन किया है कि पापा ये आप बॉक्सर तो हैं, हमें मेडल दिखाते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन आपके शौक को ज़िंदा कौन रखेगा? ना बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बैठी बातें अपने ही बच्चे हैं और वो क्या कहते हैं नाम रोशन करेंगे। लेकिन मैं फिर क्वेश्चन किया कि भाई ब्लड रिलेशन भी तो कोई चीज़ होती है ना। ठीक है बेटा, जब अल्लाह देगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो उसी पे जो है बेटी ने फौरन मेरे को ये पता चला अगर पापा बॉक्सिंग नहीं खेली। तो मैंने उससे फिर क्वेश्चन किया कि बेटा देखो आप लड़की हो और क्या कहते हैं ये मर्दों का गेम है। तो बोले पापा क्या लड़की नहीं खेल सकती? ना बेटा खेल सकती है, और ये इंशाल्लाह मैं अब आपको खिलाऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की पहली लड़की बनाऊंगा कि वुमेन बॉक्सिंग। और उसके ऊपर मैंने मेहनत करना शुरू करी। तो 3 साल जो है वो मैंने इसको घर पर ट्रेनिंग दी। 3 साल पे घर पर ट्रेनिंग देने के बाद फिर मैं कल्याणा अकेडमी में जो है टीचर की जो है जॉब करता था। यहाँ मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, सर हम यहाँ पे एक बॉक्सिंग अकेडमी बनाना चाहते हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ हों। तो सर भी हैरान हुए, बोलने लगे बेटा गर्ल्स? मैंने जी सर, मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह 3 साल से ट्रेनिंग कर रही है, अब मैं उसको यहाँ लेकर आऊँगा और दूसरे बच्चों में जस्तजू बढ़ाऊँगा। तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे को इजाज़त दी, मैं आपकी बेटी को लेकर आया और यहाँ मैंने कॉलेज को उसको इंट्रोड्यूस कराया वुमेन बॉक्सिंग के हवाले से। तो उधर से जो है फिर माशाल्लाह 9th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में मेरे को रिस्पॉन्स दिया, बोला सर हम भी चलना चाहते हैं। फिर हमने बाकायदा यहाँ पे जो है वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट की और हम कंटिन्यू जो है वो ट्रेनिंग करते रहे। और 2014 के अंदर हमने कल्याणा अकेडमी में फर्स्ट प्रोग्राम कराया वुमेन बॉक्सिंग का, जो आज तक पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से जो है हम चलते आ रहे हैं। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने जो है हमें मौका दिया कि भाई वुमेन बॉक्सिंग जो है वो हम कराना चाहते हैं, तो हमने उन्हें वेलकम कहा। और इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के साथ मिलके 2016 के अंदर जो है हमने के इलेक्ट्रिक चैम्पियनशिप कराई और माशाल्लाह उसमें कल्याणा अकेडमी ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जिताया था। यार रफ़ी भाई ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं, तो अब मैं जितना मैं दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी ना मेरी, अब मैं बॉक्सिंग में आ जाऊंगी। क्योंकि वैसे तो आपको लगता होगा मैं हर चीज़ में घुसने की सोच रही होती हूँ, लेकिन रफ़ी भाई के साथ जो बच्चियाँ हैं उनको देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और रफ़ी भाई ने इतनी इंस्परेशनल दी है, यकीन करें कि मुझे लग रहा है कि अगर हम किसी बाहर मुल्क में होते ना, किसी दूसरे मुल्क में होते, तब तक रफ़ी भाई के ऊपर एक पिक्चर बन चुकी होती। जो दंगल बनी थी ना वो रीमेक था, दंगल ओरिजिनल यहाँ है, इन्हीं की बच्चियों ने शुरू किया सबसे पहले। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि एटलीस्ट
पाकिस्तान में लड़कियां जो हैं वो बॉक्सिंग में आगे आ रही हैं और लड़कियां जो हैं वो बॉक्सिंग कर रही हैं। यहाँ पे जो लड़कियों का बच्चियों का पोटेंशियल है ना, वो अब जो है मेहंदी और चूड़ियों वाला रहा नहीं, अब वो बच्चियां जो हैं वो बॉक्सिंग करके मोहल्ले वालों को डराने के चक्कर में है। तो अब आए मैं आपको बच्चियों से मिलवाती हूँ जो बॉक्सिंग करें। चले इन लड़कियों के घूंसों और मुक्कों की प्रैक्टिस देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि मोहल्ले के लड़के इनसे कितना डरते होंगे। सबसे पहले शुरुआत की और इसके ऊपर मेहनत करना शुरू की रफ़ी भाई ने, और यही है वो बेटी उनकी छोटी मिर्ची। इसका नाम मैंने छोटी मिर्ची रखा है क्योंकि इसके जो मूव्स हैं ना वो इतने शार्प हैं कि मुझे लैला अली जो है वो याद आ गई, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जो है उसके पास एक लैला अली तो आ ही गई है। और मुस्तकबिल में आप देख लीजिएगा कि बॉक्सिंग रिंग में अगर कोई उठा उठा के किसी को उठा उठा के पटकने की इत्तलात आए या कोई ऐसी बॉक्सर आ गई है तो याद रखिएगा फिर वर्दा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये करेगी। ये हाथ देखने के बाद मुझे लगता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, बहुत काम के हैं ये हाथ, यकीन करें फिर वो बहुत काम आएंगे अगर ये मुझे मिल गया तो। लेकिन खैर वर्दा जो है मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। वर्दा मुझे ये बताओ कि क्यों तुम्हें लगा, सबसे पहले तो मुझे पता है मैं तो इतनी लफाजी कर रही हूँ लेकिन तुम बताओ मुझे। पापा को देखते हम भी करें तो डर नहीं लगा, हाथ पर टूट गए तो नहीं लगा डर? फिर अब ये बताओ मोहल्ले के कितने बच्चे डरते हैं? डरते हैं 3-4 और भी डरते हैं, पर हमें जानते बॉक्सर के नाम से। अच्छा तो तुम्हें कैसे पता चलता है वो तुम्हें जानते हैं? कहीं जब जा रहे होते चीज रहे तो पीछे से आवाज आती बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर। अच्छा तो भाई बच्चे इसी बात पर पूछेंगे पीछे से कोई बॉक्सर कह देता है। और ये बच्ची जो है ये डिफरेंट एरिया से आती है स्पेशली, पहले बताओ मुझे तुमने अपने घर वालों को कन्विंस कैसे किया? कन्विंस करने नहीं पड़ा, बाबा ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तुम कर सकती हो। बाबा ने बोला कि नहीं तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर है। मैंने कहा ठीक है, बाबा ने मुझे बोला मेरे अंदर था कि मैं करूँ, मैंने सर को देख के बाबा से एक बार बोला, बाबा ने कहा ठीक है तुम कर सकती हो। सर भाई मैं जो है वो ट्रिब्यूट पेश करूँगी इस बच्ची के वालदैन को जिन्होंने बच्ची को खुद वो किया कि आप कर सकती हैं, कर सकती हो और करो। ये जो सीख है ना ये हर वालदैन में होनी चाहिए, अगर बच्ची कोई पॉजिटिव काम कर रही है तो आप उसको इनक्रेज करें कि वो करे। मुझे इसको देख के कतई नहीं लग रहा था ये बॉक्सर है, लेकिन जब इसने ग्लव्स पहने तो मुझे यकीन हो गया यही बॉक्सर है। मुझे बताओ फिर तुमने कैसे बनाया अपने वालदैन को? मम्मी तो राजी नहीं होती थी, वो कहती थी पहले इतनी लड़ाकू बॉक्सिंग के बाद तो और हो जाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत शौक था सर को देख कर और हुआ तो मैंने कहा मैं बॉक्सिंग तो करूँगी। फिर मम्मी बहुत दिन बाद जाकर मानी, जब मैं फाइट जीती तो मम्मी को लगा कि मैं खेल लूँगी तो मम्मी बोला जाओ खेलो। तो ये मतलब बताओ कि लड़ाकू क्यों क्यों होता? बहनों से लड़ाई होती रहती है। अच्छा नहीं मैं बता दूं आपको, ये अकेली नहीं है, ऐसी मैं भी हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना तो, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लड़ाकू है और वो यहाँ पे आके बहुत जल्दी कर सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो जिस तरीके से एक्सरसाइज कराया था ना रफ़ी भाई, उस एक्सरसाइज को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंस कितनी जल्दी कितना लेकर आना होता है अपने अंदर। यकीन करें पूरे एक्सरसाइज में इन बच्चियों का मैं पेशेंस देख के हैरान थी, स्टैमिना पेशेंस आपके अंदर सब्र इतना आ जाता है ना कि मतलब आप ठीक है आप फाइट करेंगे लेकिन फिर आप जायज़ उस पर फाइट करेंगे, ये नहीं होगा कि किसी ने कुछ कहा और आपने दे चमार दे दिया उसको। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पेशेंस कितना आ गया अब ये मुझे बताओ तुम लोगों के अंदर कितना पेशेंस आ गया है, कितना सब्र आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्टैमिना बढ़ जाता है, गुस्सा थोड़ा सा दब जाता है, आया है कुछ फर्क पड़ा है? कम हो गया, मम्मी खुद कहती हैं गुस्सा कम हो गया वरना पहले बहुत था। और तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा आया है? ये कम हुआ है? गुस्सा नहीं अब नहीं है नहीं। और तुम्हारे अंदर? बहुत गुस्सा था, बहुत कम हुआ है तुम्हारे अंदर? है अभी भी। चलो बेटा ये देख ले इसकी शक्ल देख ले आप लोग, इसके अंदर कम नहीं हुआ, इसके ऊपर मेहनत होगी। अब
رمضان کے مہینے میں بھی ان بچیوں کا اسٹیمنا قابل دید ہے. اگر ان کی جگہ میں ہوتی نا تو میرا تو بینڈ ہی بچ جانا تھا. یہاں پہ ہم باکسنگ پریکٹس کریں, یہاں پہ ہم اینڈ کر دیں گے بلاگ کا. بیٹا آپ لوگ آ جائیں میرے بیک سائڈ پہ, اور یہاں پہ مجھے جو ہے نا میں نے بڑا انجوائے کیا. یہاں پر بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے بڑا سیکھا. یہاں پہ جو یہ چھوٹی بچیاں ہیں اسپیشلی ان کے ساتھ ہم نے بڑا انجوائے کیا. تم بھی آ جاؤ ادھر. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ان بچیوں کی ہمت ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے پوری طریقے سے انوالو ہو کے کھیل رہی ہیں. یہ مہندی والے ہاتھ, یہ مہندی والے ہاتھ جن کا ذکر کر رہی ہوں میں, لڑکیوں کے ہاتھ بڑے مہندی والے اور چوڑیوں والے وہ ہوتے ہیں. چھوٹی بچی ہے دوڑا جلدی سے بھاگ کے. تو یہ لیکن ان لڑکیوں نے مہندی کا کانسیپٹ چینج کر دیا. اب مہندی اور چوڑیاں نہیں بلکہ اب ہاتھوں میں باکسنگ گلوز ہوں گے اور پہنانے کے لیے کافی ہیں میرا خیال ہے. اسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ. اسے کہہ سکتے ہیں آپ وومن امپاورمنٹ. ہمارے یہاں ایک نہیں, ہمارے یہاں بہت ساری لیلا علی ہوں گی. اور مستقبل میں آپ کو اگر کوئی لڑکی مار دھاڑ کرتی ہوئی وہ ملے تو یقین کریں وہ ایک نہیں ملے گی یقیناً. اس کلب سے بہت ساری نکلیں گی انشاءاللہ. اور میں تو سیکھی جاؤں گی, یہ بچیاں مجھے تو کچھ نہ کچھ سکھائی دیں گی. رفیع بھائی بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے ٹریننگ کر لو میں سکھا دوں گا. رفیع بھائی بھی سکھائیں گے اور یہ بچیاں بھی سکھائیں گے. اسپیشلی یہ چھوٹی استاد ہے میری اور یہ بڑی استاد ہے میری, کیونکہ دو تین دفعہ گلوز اس نے پہنائے تھے مجھے. اور باقی یہ کہ میں واکنگ سیکھنے کے بعد ہزار صاحب آپ کو نہیں چھوڑوں گا, ٹھیک ہے؟ تو پھر باقی لنکس میں نیچے دے دوں گی. آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ, انسٹا پہ اور ٹویٹر پہ, سب کے لنکس نیچے. اور باقی ان لڑکیوں کے لیے بیسٹ آف لک, اور آپ لوگ بہت آگے جائیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ سے مل کے ٹاٹا کریں گے. ٹاٹا, اللہ حافظ.